ग्वालियर में लापरवाही पर नौकरी से निकाले जाने से नाराज कुरियर बॉय अपने 10 से 12 साथियों के साथ पहुंचे और दफ्तर में हंगामा खड़ा कर दिया। युवकों ने कुरियर सर्विस कंपनी डिलीवरी के मैनेजर सुपरवाइजर को पीटा। इसके बाद बाहर निकलकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सड़कों पर गोलियां चलाईं। घटना रविवार की रात MH चौराहे पर पृथ्वीराज मार्ग की है। गोलीबारी से क्षेत्र में दहशत है। फायरिंग और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। वहीं उपनगर मुरार के MH चौराहे पर पृथ्वीराज मार्ग पर कुरियर कंपनी डिलीवरी का दफ्तर है। यहां मुरार निवासी दो युवक नीरज राणा और आदित्य राणा काम करते हैं। दो दिन पहले एक पार्सल को नहीं पहुंचाने की लापरवाही पर इन दोनों को मैनेजर अनूप राजावत ने नौकरी से हटा दिया था। लापरवाही की शिकायत सुपरवाइजर मुरारी कुशवाहा ने की थी। उस समय भी नीरज और आदित्य ने काफ़ी बहस की थी। रविवार की रात 8 बजे के लगभग नीरज और आदित्य अपने 10 से 12 साथियों के साथ कंपनी के दफ्तर में पहुंचे। इन दोनों को छोड़कर सभी लड़कों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। यह अंदर पहुंचे और मैनेजर अनूप राजावत को हाथ से पकड़कर सीट से उठाया और मारपीट शुरू कर दी। बचाने आए सुपरवाइजर मुरारी पर भी हमला किया। जब कंपनी के अन्य कुरियर बॉय एकत्रित हो गए तो यह लोग बाहर निकल गए। मैनेजर ने डर के चलते शटर डाल दिया। पूरी घटना कुरियर सर्विस कंपनी के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इसमें युवक मारपीट करते हुए और हंगामा मचाते नजर आ रहे हैं।